कुरुक्षेत्र जिला पुलिस ने हनी ट्रैप मामले को सुलझाते हुए दो महिलाओं समेत चार आरोपियों को किया काबू। रेप के झूठे मामले में फंसाने की एवज में मांगे 60,000 रुपए। धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में हनी ट्रैप का दूसरा मामला हुआ दर्ज। जिला के कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी आदर्श थाना के इंस्पेक्टर नायक सिंह ने बताया कि यमुनानगर जिले की दो महिलाओं और दो व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है, जो रेप के झूठे मामले में फंसाने की एवज में 60,000 रुपए मांग रहे थे। पुलिस के मुताबिक मामला हनी ट्रैप का है। जब पीड़ित ने पुलिस रेप के झूठे मामले की शिकायत की तो उसके बाद पुलिस ने इस मामले में दो महिलाओं समेत दो युवकों को काबू किया, जिन्हें रिमांड पर लेकर आगामी कार्यवाही शुरू कर दी है। फिलहाल कुरुक्षेत्र में हनी ट्रैप का ये दूसरा मामला है। तो ये हनी ट्रैप का मामला है। हमारे पास शिकायत प्राप्त हुई थी कि रेप की झूठी शिकायत दर्ज करके मेरे से पैसा एक्सटॉर्शन कर रहे हैं, तो उसको कार्रवाई करते डीएसपी गुरमेल सिंह की अध्यक्षता में कमेटी गठित करके कार्रवाई करते मौके से दो औरत और दो आदमी पकड़े गए हैं और इनको चारों को गिरफ्तार कर लिया है। अभी न्यायिक हिरासत में भेज दिया। जो हमें जांच में सामने आया कि 2 लाख में बातें स्टार्ट हुई थी, उसके बाद 60,000 में समझौता हो गया था। हिंद एक्सप्रेस के लिए कुरुक्षेत्र से भारत साहब की रिपोर्ट।